अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पहुंच तो गए हैं ओमान। कल शाम से अब तक के लिए सफ़र कर कर के तबीयत खराब हो गई, दिमाग भी ख़राब हो गया। अब हमारा पहला दिन स्टार्ट होता है यहाँ ओमान की ट्रिप का। हमने जो रूम बुक किया था, हमने किया था स्मॉल रूम, क्योंकि आपको पता है ना, जब बाहर जाते हैं तो पैसे कम खर्च करने चाहिए, जितने सेव करके रखोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन जब हम वहाँ पे आए तो वो रूम छोटा नहीं है, तो बहुत बड़ा निकला है। इस रूम का आप लोगों को करवाने वाला हूँ रिव्यू। ये है ओमान का सबसे फेमस, अभी मैं आपको वन बाई वन, ये मेन मास्टर बेडरूम है, अभी इसका मैं पूरा रिव्यू कराता हूँ। ये लैंप बहुत खूबसूरत लगाया हुआ, मतलब कि ये जो बेडरूम है ये टू बेडरूम है, और यहाँ से आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा। यहाँ पे बाहर जो है सारी बिल्डिंगे बिल्डिंगे हैं, और सामने पहाड़ हैं। पहाड़ ऐसे हैं ये, अब जब लास्ट टाइम मैं सऊदीया गया था ना, तो मुझे ये सऊदीया की याद करा रहे हैं। बेडरूम बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये साथ में ही वाशरूम है, ये बेडरूम का व्यू है। यहाँ पे सो सो के हम थक गए हैं। ये यहाँ पे एक यूनिक सी चीज़ लगी हुई है, लैंप बहुत अच्छे हैं। यहाँ से वॉशरूम स्टार्ट होता है हमारा, वॉशरूम भी अच्छा है, काफ़ी प्यारा है, क्योंकि दिखने में बहुत अच्छा है। ये साइड के अंदर लाइट लगी हुई है ना, ये कमाल की। वॉशरूम काफ़ी बड़ा दिया हुआ है ये वाला। यहाँ पे आप स्टीम ले सकते हो, शावर ले सकते हो यहाँ पर। यहाँ पे आपको बहुत बड़ा सारा टब मिलेगा नहाने के लिए, टॉवल्स, और ये WC वॉशरूम यूज़ करने के लिए। वॉशरूम का रिव्यू करने के बाद अभी आपको दिखाता हूँ बाहर का रिव्यू। ये हमारे सूटकेस पड़े हुए हैं, ये जगह है लॉकर, आपका पैसे वगैरह रखने हैं तो यहाँ पे लॉकर है। आयरन पड़ी हुई है इस्त्री करने के लिए। ये यहाँ पे LCD दी हुई है बेडरूम में, अगर आप रह रहे हो तो LCD है देखने के लिए। जैसे मैं आपको दिखा रहा था ना बाहर का व्यू, ये है बाहर का व्यू। बाहर से आपको पूरे के पूरे पहाड़ नज़र आते हैं, सेम टू सेम सऊदीया वाला सीन है यहाँ पर। अभी आपको लेकर चलता हूँ मेन हॉल में। ये एंट्रेंस है, मतलब कि स्टोर से हम एंटर हुए हैं, और ये साथ में किधर भी छोटा सा, मतलब कि हमने एक छोटा सा स्टूडियो लिया था, लेकिन उन्होंने स्टूडियो नहीं, हमको ऐसे लगता है जैसे कोई पेंट हाउस दे दिए। ये वॉशरूम है, एक मिनी वॉशरूम है, छोटा वॉशरूम यूज़ करने के लिए। यहाँ पर भी शायद लगता है, हाँ, कैबिनेट्स, कपड़े वगैरह आप इसको हैंग कर सकते हैं, लाइट ऑन होगी। वाह, पेंटिंग बहुत अच्छी है यहाँ पर, ये काम करने के लिए, मतलब काम तो हमेशा जान नहीं छोड़ता, आप कहीं पर भी रहो। शूज़ उतार दिए थे आगे, थक गए थे ना। यहाँ से भी वही सेम सेम बाहर का आउटसाइड का व्यू, पहाड़ और बिल्डिंगें। यहाँ पे एक चीज़ है जो देखने को मिली है कि जो बिल्डिंगें हैं ना वो सारी वाइट वाइट हैं। ये है सीटिंग डाइनिंग एरिया, यहाँ पे चॉकलेट उन्होंने दी हुई है, मैं सोया हुआ था लेकिन वो आकर देख गए हैं, तो खाने में बाद में खाएंगे, पहले भी मैं खा चुका हूँ। यहाँ पर भी एक उन्होंने LCD दे रखी है, यहाँ पर भी वो झूमर लगा हुआ है। और सामने एक मुझे मस्जिद नज़र आ रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें यहाँ पे मस्कत में भी ना इतना अच्छा और इतना शानदार रूम मिलेगा, और इतने कम पैसों में। ये यहाँ पे किचन है, और हम यहाँ पे स्टे करने वाले हैं वन डे। सामने ये वहाँ पे उन्होंने कैबिनेट्स दिए हुए हैं, शेल्फ दी हुई हैं, बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, कुछ भी आप कर सकते हो। ये पूरा रिव्यू है, देखो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो जब से यहाँ पे आया हूँ, पहले तो मुझे नींद बहुत आ गई, सो गया था, मैंने सोचा सोचने के बाद शूटिंग स्टार्ट करूँगा वीडियो की। ये तो बहुत कमाल है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मतलब कि इतने कम पैसों में आपको इतना अच्छा मिले स्टे करने के लिए, तो ये एक्सीलेंट से भी ज़्यादा एक्सीलेंट है। आप लोग भी जब भी आओ तो आपको यही रेफर करूँगा। एक तो यहाँ पे आना बहुत इजी है, आपको 5 रियाल में यहाँ पे वीज़ा मिल जाता है। उसके बाद आप टिकट पकड़ो, जहाज़ पकड़ो, या बस, बाई बस भी आ सकते हो, तो कुछ भी लो, आपको यहाँ पे आना मुश्किल नहीं होगा। आपको यहाँ पे आना है तो कोई मुश्किल नहीं है, आप वीज़ा ले सकते हो। वीज़ा भी इतना सस्ता है कि जितना आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तकरीबन आपको मिल जाएगा वीज़ा 5 रियाल में, मुझे तो 5 रियाल में मिला है। 5 रियाल अगर आप दुबई की करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगा तकरीबन 40-50 हज़ार में आपको वीज़ा मिल जाए, और क्या चाहिए। और ये कंट्री भी बहुत अच्छा है, मैं जब से यहाँ पे एंटर हुआ ना, एक तो यहाँ पे कोई रश नहीं है, जो चीज़ आप दुबई में बिजनेस में डाउन टाउन या बुर्ज खलीफा में देखते हो ना, मतलब अगर वहाँ पे 4 गुना पैसे देते हो, यहाँ पे आपको 1 गुना पैसे दे के वही चीज़ मिलेगी। ये रूम जब से आया हूँ मेरा तो दिल करता है कि मैं दुबई छोड़ दूँ, इधर ही रहना शुरू कर दूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पूरे मस्कत में ये हमने सोचा था हाई क्लास है, बहुत महंगा होगा, लेकिन हाई क्लास है और बहुत सस्ता है। यही चीज़ आप अगर दुबई में लोगे तो आपके दिमाग ख़राब हो जाएगा जब आप पैसों की बात सुनोगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Ding ding ding।